गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम दोबारा आपसे रिप्रोडक्शन का चैप्टर लेके मिल रहे हैं विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन गैमेट्स का फ्यूजन जो होता है बॉडी के अंदर होता है, गैमेट्स का फ्यूजन जो होता है बॉडी के बाहर होता है। एक्सटर्नल में बाहर, इंटरनल में अंदर। इसमें सिर्फ मेल जो होता है वो गैमेट को डिस्चार्ज करता है, बट एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स को क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होती है, डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होती है। एक एग्जांपल है ह्यूमन कैटल, इसकी है प्राण। सो एक डेफिनेशन है माय डियर स्टूडेंट्स, सिक्स क्लास स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय हाइमन? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक फीमेल ऑर्गन है विच सराउंड्स, सॉरी इट इज ए फीमेल ऑर्गन, और ये ऑर्गन जो है ये आगे पीछे से बिल्कुल घिरा हुआ है लेयर ऑफ थिन मेम्ब्रेन, बिल्कुल पतली लेयर है मेम्ब्रेन की जिससे ये कवर हुआ है फीमेल ऑर्गन, और उसी थिन लेयर ऑफ मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं हाइमन, एंड इट इज लोकेटेड नियर वर्जिन। नाउ क्लोनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोनिंग? वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के द्वारा आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, आइडेंटिकल सेल्स की प्रोडक्शन होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोनिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the differences between the sexual and asexual reproduction? So my dear students, in case of sexual reproduction, new individual is formed by two parents. Naya individual jo banta hai wo do parents se banta hai, but in asexual reproduction new individual jo hai wo single parent se banta hai. Isme sex organ chahiye, isme nahi chahiye, isme meiosis ka process hota hai, isme meiosis ka process nahi hota. And what do you mean by the process of meiosis? Meiosis means cell division. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ सेल्स, इसमें सेल जो होते हैं वो फ्यूज कंबाइन नहीं होते। न्यू इंडिविजुअल अराइज फ्रॉम फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, नया इंडिविजुअल अराइज होता है वो दो गैमेट्स के फ्यूजन से अराइज होता है, बट इन दिस केस न्यू इंडिविजुअल अराइज फ्रॉम वन सेल, एक ही सेल से अराइज होता है। न्यू इंडिविजुअल आर डिफरेंट फ्राम पेरेंट्स, नया जैसे मैं हूँ तो मेरी शक्ल जो है, वेशभूषा जो है, कद जो है, मतलब हर एक करेक्टरिस्टिक्स जो है वो मेरा मेरे माँ बाप से नहीं मिलता है, ऐसे अवकरण मिलता होगा। बट इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे मेरा अमेबा में है, तो अमेबा में है तो जैसे एक अमेबा होगा वैसे सिमिलर दूसरा होगा, वो बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। जैसे बडिंग का प्रोसेस है तो किसी भी पेड़ में बड होगा, जैसे मलबरी ट्री में बड है, तो वहां से जो नया बड नई शाखा जो तैयार होगी वो बिल्कुल सिमिलर किससे होगी, मलबरी ट्री की तरह, तो उसमें जो है न्यू इंडिविजुअल जो होगा आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। सो एट क्लास स्टूडेंट्स, टुडे इज एनफ, डे आफ्टर टुमारो वी विल अगेन मीट विद यू विद द सेम चैप्टर, एंड ऑन दैट डे वी विल फिनिश दिस चैप्टर। टुडे इज एनफ, अपने घर में बेटा पढ़िएगा, क्वेश्चन आपको बुक में मिल सकते हैं, लर्न करिएगा, नो क्लाइमिंग, रिटर्न लगाना है, फॉलो करना है कि क्वेश्चन है क्या, पूछा गया है, मीनिंग क्या है, आंसर हमें क्या देना है। ओके स्टूडेंट्स।